हेलो लर्नर, सो लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सोम मंसला हूँ, फिल इन कोर्स बेस्ट 200+ वीकली एमसीक्यू गाइस सीरीज का पार्ट सेकंड है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। इसमें हम करने वाले हैं 8 से 14 जनवरी तक के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। टारगेट ऑडियंस पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। गाइज, अगर आप SBI, RBI असिस्टेंट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन पूछा जाता है तो ये कोर्स आपके लिए है। SSC और कोई भी एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नाउ स्टार्ट। नेम द स्कीम अंडर विच 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल सेटअप ए टोटल ऑफ 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्स। नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन, इसके अंडर 24 स्टेट्स में 1024 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्स ओपन किए जाएंगे। ऑन विच डेट प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड? जनवरी 9। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 9। इट इज ऑल्सो कॉल्ड NRI डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। ये इस दिन मतलब महात्मा गांधी भारत आए थे तो इसलिए ये मनाया जाता है। हु हैज वॉन द अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड? साधियो माने। और एक चीज़ और, नाइजीरिया इंटरनेशनल एसिस्ट ओस्लो हु प्लेज फॉर बार्सिलोना वाज वोटेड फॉर वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर। वुमेन में असिस्ट ओशोलो। विच कंट्री हैज कंटिन्यूड टू बी द टॉप सोर्सिंग मार्केट फॉर श्रीलंकन टूरिज्म? इंडिया। वाट इज द टोटल आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट डेट विल सेटअप 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्स? 767.25 करोड़। द एम्पावर्ड कमेटी ऑफ ऑफिसर फॉर द निर्भया फंड हेडेड बाई WCD सेक्रेटरी राकेश श्रीवास्तव अप्रूव द प्रपोजल। इसमें सेंट्रल का सपोर्ट है वो 474 करोड़ 1 साल के लिए। नेम द डिसीज्ड स्क्रीन राइटर हु वाज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर फॉर डायरेक्टिंग द फिल्म हेवन कैन वेट अलोंग विद वारेन बेटी। हेनरी जुकरमैन। गाइस, इसमें काफ़ी कुछ दिया है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा PDF और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको मैं बताते चल रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो भी देखना है और PDF उसके बाद रिवाइज कर लोगे तो आपको फिर कोई इश्यू कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड द जर्नलिस्ट डे ऑन 6th of January एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ लेट द जर्नलिस्ट बाल शक्ति जांबुलकर? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन टू लक्षद्वीप फर्स्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट कावरत्ती? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। इनको गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया 160 डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। हु इज द करेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा? जिम ब्रैडस्टीन। ये भी क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाउ मैनी इंडियन एयरपोर्ट्स हैव रिसीव द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन लेवल एज पर द स्टैंडर्ड सेट बाई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल? 4। चारों एयरपोर्ट्स के नाम, और इसमें से एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन अगर ना आए तो क्वेश्चन इस तरीके से भी ये बन सकता है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, क्योंकि इसका नाम आ गया तो ये अब ऐसे इंपॉर्टेंट बन गया। कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये चार एयरपोर्ट्स के नाम मैंने दे दिए हैं। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर उड़ीसा, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम केरला। अमित शाह रिलीज ए बुक कर्मयोद्धा ग्रंथ, इट डिस्क्राइब्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ विच पॉलिटिकल लीडर? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।
आरपी उलांग नाम्बी हु सर्व्ड एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द फिफ्थ लोकसभा फ्रॉम 1971 टू 1976 पास्ड अवे रिसेंटली ही बिलोंग्स टू विच स्टेट तमिलनाडु। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ये कौन थे, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो ये भी ऑब्वियस के क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप नोट। संगीत नाटक अकादमी अवार्डी इजी शरीफ पास्ड अवे ही वाज ए डाडी सिंगर। नेम द पद्मश्री अवार्डी उड़ीसा डांसर हु पास्ड अवे रिसेंटली। मिनाती मिश्रा। ये ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इनका निधन हुआ और ये ए ग्रेड आर्टिस्ट रह चुकी हैं ऑल इंडिया रेडियो AIR एंड संगीत प्रभाकर टाइटल भी इनको हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक से मिला है। विच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज बिल्डिंग द इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले जो वीडियो में क्वेश्चन कराए थे, अभी IPS क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ है, उसमें से 5 क्वेश्चन बने हैं, 5 क्वेश्चन आए हैं, आप चेक कर सकते हो वीडियो और IPS क्लर्क मेंस के पेपर को भी आप चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा मैं कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं हर वीडियो से आए हैं, पर लेकिन आए हैं तो मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ। विच कंट्री हैज लॉन्च इस न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सेटेलाइट टोंगसिंग जूनसू सियांग वेंचिंग 5। चाइना। नाम भी चाइना जैसा है तो चाइना। ऑन January 7, 2020 चाइना हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ए न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सेटेलाइट टोंगसिंग जीसू सियांग वेंचिंग 5 बाई इस लॉन्ग मार्च सीरीज 3V। मैंने लास्ट बार क्वेश्चन लिया था इससे पहले वीडियो में, लॉन्ग मार्च 5 किसने लॉन्च किया है, चाइना। सरबजीत कौर हैज बीन बैंड फॉर 4 ईयर्स ही इज एसोसिएटेड विद पिच स्पोर्ट वेट लिफ्टिंग। इंडियन वेट लिफ्टर सरबजीत कौर फ्रॉम पंजाब हैज बीन बैंड फॉर 4 ईयर्स फ्रॉम द स्पोर्ट बाई द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये नाडा की फुल फॉर्म आप इसको भी देख लीजिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, फॉर इन्वॉल्वमेंट इन डोपिंग वायोलेशंस। नेम द लोकपाल मेंबर हु रिजाइंड ऑन January 9, 2020। दिलीप बाबा साहेब भोसले। ही वाज अपॉइंटेड बाई लोकपाल चेयरमैन जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ये भी आप देख लेना, बाकी यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच सेक्शन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सोलर सेक्शन इन साउथ सेंट्रल रेलवे। नंदियाल येलागुंतला सेक्शन आंध्र प्रदेश। और ये केवल आंध्र प्रदेश ऑप्शन में दिया हो तो भी आपको ये इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश जगह कौन सी है, आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये जरूरी नहीं पूरा नाम हो, पूरी जगह का नाम हो, ऑप्शन में आपको आंसर में आंध्र प्रदेश भी मिल सकता है। बाई विच ईयर इंडियन रेलवे हैज प्लान टू सोर्स अबाउट 1000 मेगावाट सोलर पावर 2021 to 2022। ऑन January 9, 2020 द नंदलाल येलागुंतला सेक्शन इन गुंटागल डिवीजन ऑफ आंध्र प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर एज द फर्स्ट सोलर सेक्शन इन साउथ सेंट्रल रेलवे। तो इसी का दिया हुआ है, बाई 2022 इंडियन रेलवे हैज प्लान टू सोर्स अबाउट 1000 मेगावाट सोलर पावर एंड अबाउट 200 मेगावाट ऑफ विंड पावर अक्रॉस जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, आउट ऑफ विच 500 मेगावाट सोलर प्लांट्स आर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द रूफटॉप ऑफ रेलवे बिल्डिंग्स। यानी इसमें से 500 मेगावाट सोलर बिल्डिंग मतलब इंडियन रेलवे के बिल्डिंग्स पर ही मतलब रूप पर किया जाएगा इंस्टॉल। नेम द सैटेलाइट दैट इज सेट टू बी लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर कम्युनिकेशन विद इंडियाज फर्स्ट मैन स्पेस मिशन गगनयान। इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम।
विच टेलीस्कोप हैज बीन यूज्ड बाई नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा टू डिस्कवर पोटेंशियली हैबिटेबल अर्थ सेज वर्ल्ड TOI 700D इन स्टार्स कोल्ड स्टॉक जोन दैट इज 100 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। स्पिचर स्पेस टेलीस्कोप, ये क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन को ढंग अच्छे से पढ़ना है आपको। आपको फास्ट लगे तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लें। विच फर्म हैज अपॉइंटेड एम नागराज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन January 8, 2020? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और ये 3 मंथ के पीरियड के लिए अपॉइंट किए गए हैं। नेम द ब्रिज दैट विल बिकम द बर्स्ट हाइएस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर हाइट अबव रिवर आफ्टर कंप्लीटिशन। चेनाब ब्रिज, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इंडिया में एक ऐसा ब्रिज बनाया है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑन January 9, 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट ए न्यू डेडलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज किस कश्मीर विल बी कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया बाई इंडियन रेलवे बाई December 2021। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर कब तक मतलब कब तक इंडियन रेलवे से कनेक्ट हो जाएगा रेस्ट ऑफ द इंडिया, तो ये 2021। एक ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। कोकण रेलवे इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया कि इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किसने किया, कोंकण रेलवे ने। और द चेनाब ब्रिज विल बी 35 मीटर टॉलर देन द एफिल टावर इन पेरिस फ्रांस, वंस कंप्लीटेड इट विल सरपास द रिकॉर्ड ऑफ बेपन रिपर सुई हुई रेलवे ब्रिज, मतलब किसके रिकॉर्ड को ब्रेक किया है इसने, सुई हुई रेलवे ब्रिज को। तो इस क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन बन रहे हैं, और इनसे इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। Who was appointed as the chairman of Apparel Export Promotion Council of India? A. Shakti Bel. Who won the UK Children's Book Award, Costa Children's Award for debut novel Asa and the Spirit World? Jaswinder Billen. On January 8, 2020, Indian born author Jaswinder Billen, UK residents, debut novel Asian Spirit World focusing on readers of age range 9 years and above beat the competition and named as the winner of the 2019 UK United Kingdom Children's Book Award named Costa Children's Award, और इसमें इनको मिला है £5,000। पेड्रो सैंचेस पेरेज कास्टेजोन वाज रिलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ऑन January 8, 2020? स्पेन। हु वॉन द प्रेसिडेंटियल इलेक्शन ऑफ क्रोशिया ऑन January 6, 2020? जोरान मिलोनोविक। अंडर विच स्कीम फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी अलाउड फॉरेस्ट टू बी ट्रेडेड एज ए कमोडिटी, नेशनल क्रेडिट स्कीम। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल बी कनेक्टेड बाई द 1.315 किलोमीटर लॉन्ग चेनाब ब्रिज, बैक्कल कटरा एंड कौरी श्रीनगर। As per the World Bank's report January 2020, global economic prospects slow growth policy changes, the global growth is estimated as 2.5%. What is the gross domestic product of India in the year financial year 2020 as per the World Bank's report January 2020, global economic prospects slow growth policy changes 5%. Name the Indian who was ranked 12th in the Forbes India's prestigious list of 20 people to watch in 2020. Kanhaiya Kumar.
पर्सन्स इंडिया से हैं इसमें, और बिहार से प्रशांत किशोर हैं, कन्हैया कुमार हैं, ये दो नाम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और भी आप देख लो, आदित्य मित्तल हैं, CFO और CEO ऑफ आर्सेनल मित्तल ग्रुप, दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा, मेहुल मोत्रा, गरिमा अरोरा, हु चेयर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दैट हैज अप्रूव्ड एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट एंड शेयर परचेज एग्रीमेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया। अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह। एयर इंडिया इज इंक्रूइंग ए लॉस ऑफ 22-26 करोड़ एवरी डे। द एयरलाइंस डेब्ट हैज इंक्रीज टू अबाउट 80,000 करोड़ एंड इट्स डेफिसिट वाज अराउंड 8,556 करोड़ इन 2018-19। नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय HDFC बैंक रिसेंटली टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। माई एप्स, विच डिजिटल पेमेंट्स कंपनी हैज लॉन्च्ड द ऑल इन वन QR क्विक रेस्पॉन्स फॉर मर्चेंट्स टू मेक अनलिमिटेड पेमेंट्स फॉर फ्री अक्रॉस इंडिया। पेटीएम, पेटीएम आल्सो अनवेल्ड ए न्यू सर्विस पेटीएम बिजनेस खाता विच फर्दर प्रोमोट्स द पेटीएम मर्चेंट्स पार्टनर्स टू मेंटेन डिजिटल लेजर्स। विच स्टेट विच सेटअप 121 acres जूलॉजिकल गार्डन नेम्ड आफ्टर द फ्रीडम फाइटर एंड रिवॉल्यूशनरी शहीद अशफाकुल्ला खान। थोड़ा सा कुछ चीज़ों में आपको मेरा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ लगेगा, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना। बाकी ये क्वेश्चन आपको मैं बहुत अच्छी बहुत मेहनत से प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका नाम दे दिया जाएगा शहीद अफजुल्ला खान। ये पार्क या कुछ जूलॉजिकल गार्डन कहाँ स्थित है, तो वो आपको उत्तर प्रदेश मार्क करना है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोजेक्शन टू 4.6% फॉर फाइनेंशियल ईयर 20। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2019-20 एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO? 5.5%। अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अडॉप्टेड ए न्यू लोगो रिसेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज सीन इन लोगो? राइनोकोलाइस्टिस रेट्यूशा। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसीव्ड द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम एट बोथ कॉन्स्टेंट एंड करेंट प्राइसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेम द स्टेट दैट हैज साइंड ए लोन एग्रीमेंट वर्थ रेट 711 करोड़ विथ KfW जर्मनी डेवलपमेंट बैंक फॉर एक्सपेंडिंग द क्लाइमेट रिजिलियंट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स? आंध्र प्रदेश। विच फर्म हैज साइंड एन MOU टू बूस्ट द रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर अंडर रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विथ वायर गारंटी स्कीम विथ टैगलाइन सपना आपका भरोसा SBI का? सुनटेक रियल्टी लिमिटेड SRL। अंडर दिस MOU 3 प्रोजेक्ट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड इन मुंबई मेट्रोपोलियन रीजन ऑफ महाराष्ट्र। नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च ए न्यू स्कीम नेम्ड रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंशियल विद बायर गारंटी टू प्रोवाइड लोन बिटवीन 50 करोड़ एंड रेट 400 करोड़ टू बिल्डर्स? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तमिलनाडु
हिस्ट्री एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटीज वर नेम्ड आफ्टर विच पॉलिटिशियन रिसेंटली? जे जय जयललिता। नेम द स्कीम अंडर विच नियरली 8 करोड़ फार्मर फैमिलीज हैव बेनिफिटेड बाई रिसीविंग रेट 6,000 पर ईयर। पीएम किसान। ये स्कीम, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि निधि स्कीम, क्योंकि इसका बजट बहुत है। एक तो ऑन जनवरी 8, 2020 ये क्वेश्चन, नियरली 8 करोड़ फार्मर फैमिली हैव बेनिफिटेड अंडर, क्योंकि इसकी इसका देखो कितना, 8 करोड़ फार्मर फैमिली को बेनिफिट कर रही है स्कीम। द स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 24 फरवरी 2019 बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि स्कीम कब लॉन्च की गई थी, 24 फरवरी 2019, और कहाँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री रिपोर्टेड मोर देन 48,937 करोड़ रुपीज हैज बीन रिलीज अंडर द स्कीम टिल डेट। ये जनवरी तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग का डाटा बता रहे हैं हम। अंडर दिस स्कीम एन इनकम ऑफ 6,000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 इज प्रोवाइडेड टू स्मॉल एंड रीजनल फार्मर्स। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव अंडर आइडेंटिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0? उत्तर प्रदेश। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव अंडर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष एट ब्लॉक लेवल इन 35 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट एम्स टू अचीव 90% वैक्सीनेशन कवरेज अमंग चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर्स ऑफ एज, प्रेगनेंट वुमेन अगेंस्ट 8 वैक्सीन, प्रिवेंटेबल डिसीज। ये डिप्थीरिया, वूफिंग कॉफ, टेटनस, पॉलीमेटिटिस, टीबी, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी। विच कंट्रीज पासपोर्ट हैज टॉप्ड इन द हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2020 रिलीज बाई हेनली एंड पार्टनर्स? जापान। और इंडिया की रैंक है इसमें 84। जापान ने टॉप किया है, इंडिया की रैंक 84 है। पहले, इससे पहले जब इंडेक्स जारी की गई थी उसमें इंडिया की रैंक 82 थी। इसको देख लें, नंबर 1 पे रहा जापान, फिर सिंगापुर, फिर जर्मनी। साउथ कोरिया ने अपनी थर्ड पोजीशन शेयर की है, और सबसे बेस्ट में नंबर 1 पे अफगानिस्तान। ये नंबर 1 वाले आपको देखने हैं, उसके बाद इंडिया की रैंक देखनी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर फर्स्ट, और हो सके तो मोस्ट पावरफुल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों। जापान नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पे, जर्मनी और साउथ कोरिया। नेम द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर ये गुरी संदती जगनमोहन रेड्डी दैट प्रोवाइड्स रेट 15,000 टू इंडिजेंट मदर्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रंस। अब इसको याद कर सकती हो कि एजुकेशन के लिए पैसे देंगी अम्मा अम्मा बोदी, जगनम्मा अम्मा बोदी स्कीम का नाम है, जगनम्मा अम्मा बोदी। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर VFCIC इज टू बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? गुजरात। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनेगा जरूर। विच सिटी रैंक फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन रीजन्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड एज पर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट? मल्लापुरम, केरला। टॉप 10 में इंडिया की 10 सिटी आई हैं और तीनों केरला से हैं। देख लेते हैं, नंबर फर्स्ट पर मल्लापुरम केरला, फिर कैंटो है वियतनाम, स्क्वेंट चाइना, कोझिकोड केरला और कोल्लम केरला 10वें नंबर पर। 1, 2, 3, 4 और मैंने 10 नंबर ले लिया है। विच इंडियन सिटी सेलिब्रेटेड द 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल फॉर द ईयर 2020 रिसेंटली? अहमदाबाद, गुजरात। इंटरनेशनल फेस्टिवल है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, कोई नेशनल लेवल पर कोई काम होता है तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और किसी स्टेट में
कोई भी ऐसी चीज़ है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और बाकी स्टेट लेवल की चीज़ें हैं तो स्टेट एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है आजकल पर, लेकिन जो नेशनल और इंटरनेशनल और कुछ भी अच्छा जो होता है या फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, तो वो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट अकाउंटेड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन 2018 एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज NCRB रिपोर्ट? उत्तर प्रदेश। द रिपोर्ट स्टेट दैट यूपी अकाउंटेड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन 2018 विथ 22,822 केसेस रिकॉर्डेड, इट फॉलोड बाई राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार। ओवर हाउ मैनी सिटीज हैव बीन रजिस्टर्ड इन द ईयर 2018 एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज NCRB रिपोर्ट? 50 लाख क्राम, और ये 2018 की रिपोर्ट से 1.3% ज़्यादा है। नहीं, 2018 की रिपोर्ट है, 2017 से 1.3% ज़्यादा है। BCIP वॉज इन न्यूज रिसेंटली, वाट डज आई स्टैंड फॉर? आई फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। eKYC की जगह BCIP टेक्नोलॉजी यूज होगी। BCIP का मतलब है, फुल फॉर्म है वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ये फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाना है। हु चेयर द सेकेंड एडिशन ऑफ द नेशनल GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स एंड कमिश्नर चीफ कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स दैट हेल्ड इन न्यू दिल्ली? डॉक्टर अजय भूषण पांडे, रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड टू स्ट्रीमलाइन द GST सिस्टम एंड आल्सो प्लग रेवेन्यू लीकेज। वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस BCIP कैन बी यूज एज एन अल्टरनेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? अभी मैंने बताया था eKYC। eKYC का मतलब, KYC की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर, तो इसकी जगह BCIP आप यूज होगा। ऑन January 10, 2020 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ इंट्रोड्यूस आधार बेस्ड वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। दिस प्रोसेस विल अलाउ बैंक्स एंड अदर लेंडर्स टू कंप्लीट द KYC प्रोसेस ऑफ कस्टमर ऑन वीडियो इटसेल्फ। द फैसिलिटी कैन बी यूज एज एन अल्टरनेटिव टू द ऑलरेडी अवेलेबल eKYC फैसिलिटी। टू इंट्रोड्यूस BCIP, RBI हैज़ अमेंडेड गाइडलाइंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2005। इसमें यही याद रखें आप कि किसकी जगह लेगा ये, और दूसरी बात BCIP की फुल फॉर्म क्या है। इंडिया एंड मंगोलिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट डेट रिसीव्ड कैबिनेट अप्रूवल ऑन 8 जनवरी 2020 फॉर कॉपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? दे साइंड एन MOU। ये कॉपरेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड यूजेज ऑफ आउटर स्पेस। इंडिया एंड मंगोलिया आउटर स्पेस कॉरपोरेशन इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूजेज ऑफ आउटर स्पेस। विच टू कंट्रीज हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट? इंडिया एंड फ्रांस। फॉर कॉपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? इंडिया एंड स्वीडन साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग स्वीडन किंग कार्ल 16 गुस्ताफ विजिट टू इंडिया फॉर कॉपरेशन इन पोलर साइंस। नेम द कंट्री डेट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉर इनेबलिंग एनर्जी सेल्फ सफिशियंसी फॉर इंडियन रेलवेज? यूनाइटेड किंगडम।
भाई, हाउ मच परसेंट द रेवेन्यू सेक्टर ऑफ इंडिया विल ग्रो एनुअली एंड एक्सपेक्टेड टू रीच 120 बिलियन डॉलर इन 2020? 51%। ऑन January 8, 2020, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI रिलीज ए रिपोर्ट मार्केट स्टडी ऑन ई कॉमर्स इन इंडिया की फाइंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन आफ्टर इट वॉज इनिशिएटेड बाई CCI इन अप्रैल 2019 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ए फंक्शनिंग ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। रेवेन्यू फॉर द ई कॉमर्स सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम $39 बिलियन इन 2017 टू $120 बिलियन इन 2020, ग्रोइंग एट द एनुअल रेट ऑफ 15%, द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बाई हाउ मच परसेंट द रेवेन्यू सेक्टर ऑफ इंडिया विल ग्रो एनुअली एक्सपेक्टेड टू रीच $120 बिलियन। तो ये 51%। विच बैंक्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उत्तम प्रकाश अग्रवाल रिजाइंड रिसेंटली? ए यस बैंक। ये अपॉइंटमेंट क्यों, मतलब ये आपको देखना है, इनका नाम अगर आगे किसी को अपॉइंटमेंट होती है तो ये आपको नोट करके रखना है क्यों, इसका कारण मैं बता रहा हूँ। और November 14, 2018 अग्रवाल वाज अपॉइंटेड टू द पोस्ट। नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि कब पोस्ट के लिए ये अपॉइंट किए हुए थे। एंड हिज टेनर सेट टू एंड इन November 2023 आफ्टर हिज रेजिग्नेशन। प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक शेयर प्राइस डिक्लाइन 7.19% इन ट्रेडी टू रेट 43.90 कंपेयर टू द प्रीवियस क्लोज ऑफ 47.30 ऑन BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 7.19% शेयर गिर गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं और इनका अपॉइंटमेंट आगे नोटिस में आएगा, तो इसलिए ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है। हु वॉज री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ कृषक भारती कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? चंद्रपाल सिंह यादव। बाई विच ईयर टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग कोल इज सेट टू 1 बिलियन टन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 2023-24। इंडिया इज इम्पोर्टेंट 235 मिलियन टन कोल वर्थ रेट 1.75 लाख करोड़ इन 2019। आउट ऑफ दिस क्वांटिटी 100 मिलियन टन्स वाज नॉन सब्स्टिट्यूटेबल कोकिंग कोयल। द गवर्नमेंट हैज टारगेटेड टू प्रोड्यूस 1 बिलियन टन्स बाय 2023-2024। वाई यूजिंग विच फंड इंडियन रेलवे विल इंस्टॉल इंडियन इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड वीडियो सर्विस सिस्टम BSS इन 983 रेलवे स्टेशन? निर्भया फंड। इन द लास्ट बजट रेट 250 करोड़ वाज अलोकेटेड टू इंडियन रेलवे फॉर निर्भया फंड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ BSS इन 983 रेलवे स्टेशन। इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंस्टॉलेशन BSS इज बीइंग इंस्टॉल्ड एट 200 स्टेशन एंड एज ऑफ डेट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड 81 स्टेशन अक्रॉस इंडिया। वाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट ऑफ इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड IGGL? इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड की लेंथ क्या है? डेट विल अप्रूव्ड बाय कैबिनेट विथ वियरबिलिटी गैप फंडिंग। कैबिनेट ग्रांट एट 60% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 9,265 करोड़ 1656 किलोमीटर यानी 1656। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिलीज ए रिपोर्ट टाइटल्ड मार्केट स्टडी ऑन ई कॉमर्स इन इंडिया, इंडिया की फाइंडिंग एंड ऑब्जर्वेशंस। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। हु रिसीव द फर्स्ट मुप्पावरप्पू वेंकटेश नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ऑन January 9, 2020? ये एक्सीलेंस के लिए गया है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नेम द सोशल एक्टिविस्ट फॉर रिसीव द फर्स्ट मुप्पावरप्पू नेशनल अवार्ड फॉर सोशल सर्विस। सोशल सर्विस के लिए गया है डॉक्टर गुट्टा मणिरत्नम के लिए। नेम द फाउंडेशन
डेट हैज साइंड एन मोमोरेंडम ऑफ अंडर कॉपरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन विच टू कंट्रीज हैज रिन्यूड इट्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रल मैनेजमेंट इंडियन मॉरिशस ऑन January 8, 2020 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI हैज रिन्यूड इट्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रल मैनेजमेंट विद द इलेक्शन इलेक्ट्रल कमीशन ऑफ मॉरिशस द रिन्यूअल वॉज डन एट पोर्ट लुइस ऑफ मॉरिशस एंड वॉज साइंड बाई इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा और डिप्टी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है उमेश सिन्हा। ये भी नया नया अपॉइंटमेंट है तो ये आपको याद रखना है। विच इंडियन सिटी विल होस्ट द फिफ्थ एडिशन ऑफ द पल्सिस कॉन्क्लेव 2020 लोनावाला महाराष्ट्र। विच यूनिवर्सिटी विल बी कॉन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस टू द क्लस्टर ऑफ आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी कैंपस जामनगर। हाउ मेनी कंट्रीज हैव साइंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी विद इंडिया फॉर कॉपरेशन इन द क्रिमिनल मैटर इन 2019 नवंबर 2019 42 कंट्रीज। नेम द इंडियन सिटी दैट होस्ट द फिफ्थ एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस APDRC फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया पुणे महाराष्ट्र। ओवरऑल दिस इज द फिफ्थ एडिशन ऑफ बाइनियल कॉन्फ्रेंस एंड इज नोन बाई द नेम APDRC 5। इट इज ऑर्गेनाइज बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। विच इंडियन सिटी होस्ट द फर्स्ट फार्मर्स साइंस कांग्रेस रिसेंटली बेंगलुरु कर्नाटका। और IPS क्लर्क में क्वेश्चन पूछा गया था 107 इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ ऑर्गेनाइज की गई तो उसका भी आंसर बेंगलुरु कर्नाटका है और मैं पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन लिया था। व्हाट वाज द थीम ऑफ सात एडिशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द ईयर 2020 साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। एनुअल फेस्टिवल ऑफ माधवपुर मेला विल बी हेल्ड इन विच इंडियन सिटी इन अप्रैल 2020 गुजरात। द 7 डेज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड द इमोर्टल जर्नी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड रुक्मणी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात। द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नेमली अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम एंड त्रिपुरा विल पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल। नेम द सिटी दैट विल होस्ट द इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन इन मार्च 2020 विद द थीम ऑफ साइनर्जी अक्रॉस द सी। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। बेस्ड ऑन हाउ मैनी इंडिकेटर सेकेंड स्टेट एनर्जी एफिशियंसी इंडेक्स फॉर द ईयर 2019 ट्रैक द प्रोसेस ऑफ एनर्जी एफिशियंसी इनिशिएटिव अंडरटेकन इन 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। 97 इंडिकेटर्स अंडर विच रूल डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड DPIIT हैज लॉन्च पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रोसेस थ्रू पेट्रोलियम एंड एक्सक्लूसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन PESO PSO फॉर रोड टैंकर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम रूल 2020 2002। नेम द मिशन लॉन्च बाई श्री धर्मेंद्र प्रधान इन कोलकाता वेस्ट बंगाल फॉर एक्सिलेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया थ्रू इंटीग्रेटेड स्टील हब पूर्वोदया। By which year India is expected to produce 300 million ton capacity of steel? 2030 to 2031। ये मैं जो नहीं पढ़ रहा हूँ ये आपको एक बार देखना है। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट तो बता दे रहा हूँ पर उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आपको छोड़नी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम पर आपको
पीडीएफ मिल जाएगी। ऑन January 11, और इसको भी दे पढ़ लें, इसको भी देख लें, और मैं जो बता रहा हूँ उससे उससे आपका ये फ़ायदा है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको उन चीज़ों को ज़्यादा आपका फोकस हो जाएगा और एक बार देख लेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कैटेगराइज एज अचीवर इन द सेकेंड स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2019 अलॉन्ग विद द हरियाणा एंड केरला। कर्नाटक, इसको पढ़ लेते हैं और देख लो, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। स्टेट्स यू टीच ग्रुप इनटू फोर, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर एंड एस्पिरेंट इन द सेकंड स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019। नो स्टेट यूटी विच वर लिस्टेड इन फ्रंट रनर कैटेगरी, यानी फ्रंट रनर में कोई भी स्टेट नहीं आया। द स्टेट एंड यूटी स्टेट अंडर अचीवर कैटेगरी वर हरियाणा, केरला एंड कर्नाटका। तीन स्टेट हरियाणा, केरला एंड कर्नाटका को अचीवर में, दस मेकिंग द टोटल काउंट ऑफ थ्री। ये तीन स्टेट हैं। दस द स्टेट एंड यूटी स्टेट अंडर कंटेंडर कैटेगरी वर पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये टोटल 8 हैं। वेयर इज स्टेट ऑफ आर्ट इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर IFOC लोकेटेड, न्यू दिल्ली। इसको देख लो। ऑन January 10, 2020 यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनॉगरेटेड इंडियन साइबर सेल कोऑर्डिनेशन सेंटर IFOC एंड द स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। द स्कीम टू सेटअप IFOC फॉर अप्रूव्ड इन अक्टूबर 2018 एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट रेट 415.86 करोड़ टू डील विद ऑल टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स। और ये सब देख लो, नेशनल साइबर क्राइम थ्रीट एनालिटिकल यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजिंग यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम एंड प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ IFOC। विच ऑफ द फॉलोइंग माइन एक्ट वाज अमेंडेड अलॉन्ग विद कोयल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 इन ऑर्डर टू ईज द न्यू एरियाज ऑफ ग्रोथ इन द कोल एंड माइनिंग सेक्टर। माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। नेम द स्कीम लॉन्च बाई यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल्स स्मृति जुबिन इरानी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन गोवा, यशस्विनी स्कीम। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइडेड बाई स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा थ्रू यशस्विनी स्कीम फॉर ए टेनर ऑफ 5 ईयर्स, 5 लैक्स। विच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी विल बी रीनेम्ड एज HDFC एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड HDFC एग्रो हेल्थ आफ्टर HDFC वॉप 50.80% स्टेक इन इट। अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस। ऑन January 9, 2020 HDFC हैज कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ मेजोरिटी स्टेक इन अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस फॉर रेट 1,495.81 करोड़। द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड HDFC है बॉट 50.80% स्टेक इन अपोलो म्यूनिक फॉर 1,484 करोड़ एंड 0.36% शेयर होल्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज फॉर 10.67 करोड़। अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रिनेम्ड एज HDFC एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड HDFC एग्रो हेल्थ एंड विल ऑपरेट एज ए सब्सिडी ऑफ HDFC। Which state has launched the base subsidy scheme that will provide base subsidy for new ventures getting registered on April 1, 2020 for the first 5 years? Kerala. The subsidy scheme was unveiled by Chief Minister of Kerala Sri Pinarayi Vijayan during the Global Investor Meet ASEAN 2020. India supported the Homebrew Peace Initiative 2020. It is associated with which country? Iran. India participated in the Tehran Dialogue Forum, the 23rd Persian Gulf International Conference held in Tehran, Iran from January 6 to 7, 2020.
ड्यूरिंग द फोरम इंडिया सपोर्ट द होमरूज पीस इनिशिएटिव 2020, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द वेबल साइंटिफिक मेथड टू कल्टिवेट इंडियन पोम्पोनो फिश इन पॉन्ड्स. सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI. इसकी फुल फॉर्म भी आपको नोट करके रखनी है, आपको दो चार बार रिवाइज करो, वो बार बार आएगा और आपको फिर कोई इश्यू नहीं होगा. द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन पोम्पोनो इज ट्रेचिनोस्टस मुकाली, हु टॉप द ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस टेस्ट बैटिंग रैंकिंग 2020 रिलीज ऑन January 8, 2020. विराट कोहली, बैटिंग में विराट कोहली, ये टेस्ट के लिए अवार्ड दिए गए हैं वो, मतलब हु टॉप इन द ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेन टेस्ट बैटिंग रैंकिंग 2020 रिलीज ऑन 8 जनवरी 2020. विराट कोहली. इसमें बैटिंग के लिए विराट कोहली, बॉलिंग के लिए पैट कमिंस, पैट्रिक जेम्स कमिंस ऑस्ट्रेलिया, ऑलराउंडर जैसन उमर होल्डर वेस्ट इंडीज. देम द फर्स्ट इंडियन इक्वेस्ट्रियन हु क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक गेम्स आफ्टर टू डिकेट्स सिंस इम्तियाज अनीस 2000 फॉर मिर्जा. डबल एशियन गेम्स मेडलिस्ट इक्वेस्ट्रियन फॉर मिर्जा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन राइडर टू कम्पीट एट द 2027 ओलंपिक इन टोक्यो जापान सिंस इम्तियाज अनीस 2000 सिडनी. This country has complained to World Trade Organization WTO against India for increasing custom duties of its 28 goods in July 2019. United States. Gajapati dynasty has former MP Gopinath Gajapati Narayan Dio passed away recently. He belonged to which state? Odisha. What Hindi day is observed annually on January 10? ये most important है. ऑन जनवरी 10, 2020 वर्ल्ड हिंदी डे. और ये नेशनल हिंदी डे नहीं है, ये वर्ल्ड हिंदी डे है. नेशनल हिंदी डे आपको बताना है कि कब होता है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है. आप गूगल पर सर्च करो, आपको मिल जाएगा. आपको ये कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी है जिससे कि आप